पुत्री नीलिमा। कपिल ऋषि ने मेरा घोर अपमान किया पिताश्री। उन्होंने न केवल मेरी भावनाओं को आघात पहुंचाया है, अभी तो आपकी राज प्रतिष्ठा को भी आघात पहुंचाया है। नीलिमा, तुम्हें अपने पिताश्री से आज्ञा लिए बिना ऋषि आश्रम जाने की क्या आवश्यकता थी? मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती माताश्री। पुत्री, तुम अपनी भावनाओं में बहकर। भावनाओं में बहकर नहीं माताश्री, भावनाओं में बहकर नहीं। मैंने बहुत सोच विचार कर ऋषिवर के सामने अपना प्रस्ताव रखा था। और ऋषि ने तुम्हारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ये बात हम पहले से जानते थे राजकुमारी, तुमने एक अनुचित। मैंने कोई अनुचित कार्य नहीं किया पिताश्री। इतिहास साक्षी है, अनेकों राजकन्याओं ने ऋषियों से विवाह करके अपना जीवन धन्य किया है। कपिल ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं है राजकुमारी, वे चमत्कारी शक्तियों से संपन्न महान गणेश भक्त हैं। इस पर भी उन्हें मेरी भावनाओं का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है पिताश्री। या तो आप उन्हें मेरे साथ विवाह करने के लिए विवश कर दीजिए, या फिर उन्हें ऐसा दंड दीजिए कि वे जीवन भर उसे भूल ना पाए। उसकी सदगति का मार्ग बताने वाली पूजा हूँ। अत्याचारी चक्रधर महाराज और महारानी की हत्या का आदेश देता है। सुधर्म को मारने आए चक्रधर को मोरेश्वर श्री गणेश की मूर्ति दंडित करती है। सुधर्म युवराज बनने का निवेदन ठुकराकर श्री गणेश भक्ति का मार्ग स्वीकार करता है। परम सुंदराय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम सुमुखाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। परम प्रिय भक्त सुंदर, हम तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हैं। प्राचीन काल में पांच महादेवताओं की तपस्या के कारण हमारा ये प्रिय तीर्थ तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति के कारण सारे संसार में प्रख्यात हो गया है। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? हे भक्तवत्सल, आपके पावन दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। अब मेरी कोई इच्छा नहीं है प्रभु। तुम्हारी भावना सुनकर हम और अधिक प्रसन्न हुए सुधर, और हमारी प्रसन्नता तुम्हें कुछ देना चाहती है। जब आप देना ही चाहते हैं, तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ स्वामी? लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। कहो। प्रभु, मुझे सांसारिक सुख, ऐश्वर्य और संपत्ति न देकर केवल और केवल अपने चरणों की भक्ति दीजिए। मुझे अपनी मंगल मूर्ति का सत्संग दीजिए। मैं जन्म जन्मांतरों तक आपकी भक्ति और आराधना में लीन रहूं। कभी भी मेरा आपसे वियोग न हो। लेकर कलयुग तक हमारे प्रिय इसी मोरेश्वर गणेश तीर्थ की भक्ति और आराधना में लीन रहोगे। बार बार गणेश भक्त के रूप में जन्म लेने पर जन्म जन्मांतरों तक मोरेश्वर गणेश तीर्थ का भक्त बने रहने की तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। आप जैसा महान वरदाता है कामना पूर्ति का यह वरदान दे सकता है। आप धन्य है, आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। आपकी जय, जय हो मोरेश्वर श्री गणेश की, जय हो गौरी पुत्र श्री गणेश की, जय हो परम देव श्री महागणेश की, जय। सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची, दुर्वी पूर्वी प्रेम रूपा जयाची, सर्वांग
मोहे सुंदर उठिशे नूराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव रत्न खचित परा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची उटी कुंकुम केशरा हिरे जळित मुकुट शोभतो बरा ऋण झुणती नुपुरे चरणी घागरिया जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना सरळ सोंड वक्र तुंड त्रिनयना दास रामाचा वाटकारे सगना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव मेरे आराध्य वरदाता मोरेश्वर श्री गणेश आपने इस घोर कलयुग में भी अपना वचन निभाया। मेरे माध्यम से आप इस पृथ्वी पर पुनः प्रकट हुए। आपकी कृपा अपार और अनंत है। जय हो मोरेश्वर श्री गणेश की। याद करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तुम सबका कल्याण हो। गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। भक्ति की अमोघ शक्ति ऐसी ही होती है। भगवान की कृपा पाकर भक्त का गौरव भगवान के समान हो जाता है। मोरेश्वर की भक्ति में लीन मोरिया गोस्वामी स्वयं भी जन जन के पूजनीय बन गए। महाराष्ट्र प्रांत में मोरिया गोस्वामी का नाम लिए बिना श्री गणेश की पूजा आराधना संपन्न ही नहीं होती। 14वीं शताब्दी में मोरिया गोस्वामी द्वारा स्थापित मोरेश्वर तीर्थ क्षेत्र महाराष्ट्र प्रांत के पुणे जिले के निकट सह्याद्री क्षेत्र में श्री गणेश की भक्ति ज्योति से गणेश भक्तों का हृदय मंदिर आज भी प्रकाशित कर रहा है। असंख्य असंख्य गणेश भक्तों का मानना है कि अदृश्य रूप से आज भी मोरिया गोस्वामी यहाँ पर मोरेश्वर श्री गणेश भक्ति में लीन है। भक्ति की इस पावन गंगा में पुणे जिले में स्थित थेऊर के चिंतामणि गणेश भी अनंत कालों से अपने भक्तों पर कृपा करते आए हैं। चिंतामणि श्री गणेश की प्रेरक कथा का संबंध परम योगी और महान श्री गणेश भक्त कपिल ऋषि से है। गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। महान श्री गणेश भक्त कपिल ऋषि की। महान श्री गणेश भक्त कपिल ऋषि की। भक्ति पथ के पथिक साधु संतों और ग्रामीण जनों आपका कपिल आश्रम में स्वागत है। परंतु मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। बार बार मेरी जय जयकार करके
आप लोग मुझे लज्जित ना करें। यदि आप जय जयकार करना ही चाहते हैं तो इस संसार को गति देने वाले परम देव श्री महागणेश और उनके महान अवतार गौरीपुत्र श्री गणेश की कीजिए। आप धन्य है कपिल ऋषि, आप धन्य है और धन्य है आपकी श्री गणेश भक्ति। आपकी इस प्रचंड भक्ति के कारण ही हमारा ये प्रदेश धन धान्य और हरियाली से संपन्न है। ये मेरी तपस्या और भक्ति का नहीं, श्री गणेश की कृपा का चमत्कार है। पंथियों, हम तो आपके तरह ही साधारण गण हैं और गणों के ईश्वर हैं श्री गणेश। जिसके मन में सदा श्री गणेश भक्ति का निवास रहता है वो सदा विघ्न बाधाओं से मुक्त रहता है। ऋषिवर, श्री गणेश की चमत्कारी कृपा से हमें इस बात पर पूरा विश्वास है कि हमारे प्रदेश की संपन्नता का कारण आपकी भक्ति और आराधना ही है। सत्य वचन, श्री गणेश भक्त तो सारे संसार में है परंतु इस प्रदेश में श्री गणेश की असीम कृपा है और इसका कारण आप है ऋषिवर, आप। मैंने तो यही सुना है कि संत का कोई अंत नहीं होता और आप एक संत हैं, तो फिर क्यों मेरे अंत की भूमिका रच रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं ऋषिवर। देखिए, यदि आप इसी प्रकार बार बार मेरी जय जयकार करते रहेंगे तो साधु समाज का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार मुझे अपना भोजन बना लेगा। आप मुझ पर कृपा करें संत महात्माओं। ऋषिवर, हम तो अज्ञानी ग्रामवासी हैं, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें नहीं जानते हैं। हमारा मार्गदर्शन आपको ही करना है ऋषिवर। हमें ज्ञान तो आप ही को देना है ऋषिवर, हमारा कल्याण आप ही करेंगे ऋषिवर। बंधुओं, अंधकार को प्रकाश, अज्ञान को ज्ञान और मृत्यु को मुक्ति केवल और केवल श्री गणेश ही दे सकते हैं। इसलिए कभी भी श्री गणेश भक्ति से मुंह न मोड़ो, सदा मंगलमूर्ति श्री गणेश का स्मरण करना। कहिए मेरे साथ, मंगलमूर्ति श्री गणेश की, मंगलमूर्ति श्री गणेश की। धन्य है महान गणेश भक्त कपिल ऋषि और धन्य है इनकी भक्ति। परंतु नारद, लंबे समय से तुमने मंगलमूर्ति श्री गणेश के दर्शन नहीं किए। चलो चलो नारद चलो, इससे अच्छा अवसर तुम्हें कब मिलेगा। नारायण नारायण। संसार के विघ्नों का अंत करने वाले श्री गणेश के ध्यान में बाधा डालना घोर पाप है। इनकी मधुर वाणी सुनने के लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी नारद। ओम गंग गणपते नमः। ओम गंग गणपते। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। आजकल मंगलमूर्ति भगवान भोलेनाथ के समान लंबी समाधि में लीन रहते हैं। हाँ देव ऋषि, मंगलमूर्ति का ध्यान कब टूटेगा कोई नहीं जानता, इसलिए आप व्यर्थ समय नष्ट ना करें। मंगलमूर्ति श्री गणेश की मंगलवाणी सुनने की प्रतीक्षा में खड़े रहना ये तो समय का सदुपयोग है सदुपयोग। आप शिवगण होकर भी ऐसी अज्ञानियों जैसी बात क्यों कर रहे हैं। मैं तो अनंत काल तक श्री गणेश के ध्यान के भंग होने की प्रतीक्षा में खड़ा रह सकता हूँ। खड़े तो आप अवश्य रह सकते हैं, परंतु यहाँ अनंत काल तक खड़े रहने से आपके भाई प्रजापति दक्ष के शाप की मर्यादा टूट जाएगी। नारायण नारायण। गणाध्यक्ष नंदी महाराज, आप तो यह अवश्य जानते ही होंगे कि संसार की हर मर्यादा और शाप ताप की शक्ति से मंगलमूर्ति श्री गणेश परे हैं। इनके सामने रहने वाला कभी भी किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा का शिकार नहीं हो सकता। हम समझ गए, आपको हमारा ध्यान में रहना प्रिय नहीं है, परंतु क्षमा करें गौरी पुत्र, हम आपके तपस्या में बाधा डालने नहीं, हम तो देवर्षि को सावधान करने आए थे। जय जय श्री गणेश। प्रभु, हमने तो आपकी प्रतीक्षा करने का दृढ़ निश्चय कर ही लिया था, परंतु हम समझ गए देवर्षि, यदि हमें पता होता कि आप अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए लंबे समय तक हमारी प्रतीक्षा करेंगे तो
हम ध्यान कदापि नहीं लगाते, आप हमारे पूज्य हैं, इस पावन कैलाश धाम के अतिथि हैं। आपको प्रतीक्षा में खड़े रखने का हमें कोई अधिकार नहीं है। आपको हमारी प्रतीक्षा में जो कष्ट हुआ उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। नारायण नारायण। नहीं नहीं गौरी पुत्र, ध्यान में भंग हो जाने के कारण कहीं आप मुझसे रुष्ट होकर मुझे लज्जित तो नहीं करना चाहते? नंदी महाराज, ब्रिंगी महाराज, आप पिताश्री के गण हैं, आपको उनकी सेवा में रहना चाहिए। जैसी आज्ञा। हम जानते हैं कि आपने यहाँ आने से पहले महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। नारायण नारायण। श्री गणेश, आपके दर्शन पाने की लालसा में मैं सबसे पहले शिव समाधि स्थल ही गया था। आप केवल वहाँ गए नहीं थे, आपने पिताश्री से एक प्रश्न भी पूछा था। नारायण नारायण। और उसी प्रश्न का उत्तर आपसे पाने का आदेश भगवान भोलेनाथ ने मुझे दिया था। इसी कारणवश मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं था। परंतु आपके मन में कपिल ऋषि को देखकर मेरे दर्शनों की अभिलाषा जागी थी, उन्हीं के भविष्य को लेकर आप कुछ प्रश्न भी पूछना चाहते थे। अब आप उस प्रश्न की बात ही क्यों कर रहे हैं जो आपने पिताश्री से पूछा था? नारायण नारायण, बात तो आप कर रहे हैं ना श्री गणेश। मैं तो वही बात कर रहा हूँ जो आपके मन में उठ रही है। नारायण नारायण। बात ये है श्री गणेश कि कपिल ऋषि के विषय में जो प्रश्न था उसका सीधा संबंध केवल मुझसे था, और भगवान भोलेनाथ से जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका संबंध समस्त संसार से है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, सांसारिक हित के लिए व्यक्तिगत हित को दूर रखना ही उचित है ना? तो क्या अब आप कपिल मुनि के विषय में कुछ भी नहीं पूछना चाहते? है अंतर्यामी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कह तो आप ही रहे हैं कि व्यक्तिगत हित का त्याग करने के पश्चात आप लोकहित का प्रसंग सुनना चाहते हैं। श्री गणेश, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने इस भक्त पर कृपा करके दोनों ही प्रश्नों का उत्तर? नारायण नारायण। पर हाँ, मैं पहले वही उत्तर पाना चाहूंगा श्री गणेश कि आप श्री महागणेश की कौन सी नई लीला होगी, कौन सा होगा उनका भावी अवतार? देवर्षि, अपने इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आपको एक और लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। परंतु परम देव श्री महागणेश की इच्छा से जो भी होगा उससे संसार का कल्याण ही होगा। धन्य धन्य प्रभु। और हम आपको निराश नहीं करना चाहते, आप कपिल ऋषि के विषय में जो भी प्रश्न लेकर आए हैं उसके उत्तर का संकेत हम आपको अवश्य देंगे। क्या आप केवल संकेत ही देंगे, उत्तर नहीं? आप तो परम ज्ञानी हैं देवर्षि, किसी भी संकेत के सूत्र जोड़कर आप बड़े से बड़ा अर्थ निकाल सकते हैं। नारायण नारायण। कपिल ऋषि की तपस्या और भक्ति के कारण महाराज जयसेन के राज्य में सुख और समृद्धि की वर्षा हुई है, राजा और प्रजा दोनों ही प्रसन्न हैं। परंतु निकट भविष्य में घटने वाली एक घटना के कारण कपिल ऋषि और महाराज जयसेन भयानक धर्म संकट में फंस सकते हैं। वह समय उन दोनों की कड़ी परीक्षा का समय सिद्ध होगा। महान श्री गणेश भक्त कपिल ऋषि की जय। महान श्री गणेश भक्त कपिल ऋषि की जय। महान श्री गणेश भक्त कपिल ऋषि की जय। ऋषिवर, आपके चरण पड़ जाने से हमारी राजसभा पवित्र हो गई है। अब इस सिंहासन पर विराजमान होकर हमारा भविष्य सुखद करें। महाराज जयसेन, राज सिंहासन पर विराजमान होना तो राजाओं का धर्म होता है, हम ऋषियों का नहीं। हम ऋषियों के लिए तो
केवल एक मामूली सा आसन ही। और आसन ही क्यों, हमारे लिए तो ये भूमि ही पर्याप्त है, जिसे किसी आधार की आवश्यकता नहीं होती। ऋषिवर, जिनसे समाज को आधार मिलता हो उसे किसी आधार की क्या आवश्यकता। महारानी सुषमा और राजकुमारी नीलिमा की जय। महारानी सुषमा और राजकुमारी नीलिमा की जय। महारानी सुषमा, हम भाग्यशाली हैं कि परम गणेश भक्त और चमत्कारी शक्तियों से संपन्न ऋषि कपिल हमारे आमंत्रण का सम्मान करते हुए आज हमारी राजसभा में पधारे हैं। आप सत्य कह रहे हैं महाराज, यदि आपका विशेष आग्रह न होता तो। ऋषिवर, हम जानते हैं कि आप आश्रम से बाहर नहीं जाते और आपको अपनी प्रशंसा और जय जयकार प्रिय नहीं है। हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी आपने हमारे लिए राजसीय स्वागत का आयोजन क्यों किया? क्योंकि इस समय आप एक ऋषि के साथ साथ अतिथि के रूप में यहाँ पधारे हैं, और अतिथि तो देवता के समान आदरणीय, पूजनीय और स्वागत सम्मान का अधिकारी होता है। तुम धन्य हो देवी, तुम्हारा ज्ञान प्रशंसा के योग्य है। आजकल हमारे समाज को तुम्हारी जैसी ही विदुषी नारियों की आवश्यकता है। ऋषिवर, आपको यहाँ आमंत्रित करने के पीछे हमारा उद्देश्य एक विशेष कार्य के लिए है। कौन सा विशेष कार्य महाराज? ऋषिवर, हमने हमारी प्रिय पुत्री राजकुमारी नीलिमा के स्वयंवर का निर्णय किया है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इन्हें योग्य और उत्तम वर पाने के लिए आशीर्वाद दें। मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता श्री गणेश की पावन कृपा से आपका भविष्य सुखमय और शांतिपूर्ण हो राजकुमारी नीलिमा। महाराज जयसेन, आप अपने हर कार्य में सफल हों, आपकी हर इच्छा पूर्ण हो, आप सबका कल्याण हो। महान श्री गणेश भक्त कपिल ऋषि की जय। महान श्री गणेश भक्त कपिल ऋषि की जय। महान श्री गणेश भक्त कपिल ऋषि की जय। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। राजकुमारी जी, आपको तो वनमार्ग पर चलने का बिल्कुल अभ्यास नहीं है, और आपने रथ भी कितना पीछे छोड़ दिया। श्रीकला, क्या तुम नहीं जानती, ऋषियों के आश्रम में रथ पर चढ़कर आने की परंपरा नहीं है। पर क्या कारण हो सकता है इस परंपरा का? कारण तो सरल है, पहला ऋषि का आदर, और दूसरा रथ के स्वर से ऋषि की ध्यान साधना में बाधा पड़ सकती है। आप धन्य है राजकुमारी जो लोक परंपराओं का इतना अधिक ध्यान रखती है। आपने तो ऋषि आश्रम से चार कोस पहले ही रथ का त्याग कर दिया। आप धन्य है राजकुमारी। धन्य मैं नहीं, धन्य तो ऋषि है और वे भक्त हैं जो अपना पूर्ण जीवन भक्ति को समर्पित कर देते हैं। ओम गं गणपतये नमः। आप सब यहीं ठहरे। जो आज्ञा राजकुमारी जी। गणपतये नमः। ओम गं 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 गणपतये नमः। ॐ गं गणपते नमः।
महाराज जयसेन की पुत्री राजकुमारी नीलिमा, आप यहाँ? ऋषिवर, मैं आपके चरणों में एक विनम्र प्रार्थना लेकर आई हूँ। कैसी प्रार्थना राजकुमारी? क्या आपके पिता महाराज जयसेन भी आपके साथ पधारे हैं, अथवा आप अपनी माता के साथ आई हैं? नहीं ऋषिवर, मेरी प्रार्थना से मेरे माता पिता का कोई संबंध नहीं है, इसीलिए मैं उन्हें बिना बताए यहाँ आई हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। आपको अपने माता पिता की आज्ञा के बिना कहीं भी आना जाना नहीं चाहिए। आपका ये कार्य राज परंपरा के अनुकूल नहीं है राजकुमारी। मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आई हूँ उसके लिए माता पिता की आज्ञा प्राप्त करना कठिन था। जब आप मेरी प्रार्थना सुनेंगे तो सारी बातें आपकी समझ में आ जाएंगी। कुछ कुछ तो आपकी बात मेरी समझ में आ रही है राजकुमारी, पर आपके आने से मेरी ध्यान आराधना का संकल्प खंडित हुआ है। आपको अपनी बात कहने के लिए मेरे संकल्प के पूर्ण होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। यदि आप अपने माता पिता की आज्ञा लेकर आई होती तो आपको यह कष्ट नहीं सहना होता। ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः। राजकुमारी ने हमें किस धर्म संकट में डाल दिया। समझ में नहीं आता कि महाराज से क्या कहूँ, पर इस बात को छुपाया भी तो नहीं जा सकता, महाराज को तो बताना ही होगा। कंचुकी, कंचुकी, तुम कहाँ हो? आज्ञा महारानी जी। महाराज कहाँ हैं? हम उनसे इसी समय मिलना चाहते हैं। महारानी की जय हो, महाराज पधार रहे हैं। महारानी सुषमा, हम आपको एक शुभ समाचार सुनाने आए हैं। कैसा शुभ समाचार महाराज? हमने सोचा भी ना था कि इतने बड़े बड़े राजा, महाराजा और सम्राट राजकुमारी नीलिमा के स्वयंवर में आने की स्वीकृति देंगे। हमारी नीलिमा बड़ी भाग्यवती है, उसके स्वयंवर में एक से एक उत्तम राजपुरुष उपस्थित होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि कपिल ऋषि के आशीर्वाद से नीलिमा सर्वश्रेष्ठ वर का चुनाव कर पाएंगे। क्या बात है महारानी, क्या आप इस शुभ समाचार से प्रसन्न नहीं? हमारे लिए नीलिमा की प्रसन्नता सब कुछ है महाराज, परंतु परंतु क्या महारानी, आप अपनी बात कहें, हम आपके व्यवहार से चिंतित हैं। महाराज, हमारी ये पुत्री ये स्वयंवर नहीं चाहती है। ये आप क्या कह रही हैं? नीलिमा के इस विचार का कारण क्या है? उसने अपने भावी वर का चुनाव कर लिया है। ये कैसी विचित्र बात कर रही हैं आप? हमने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ राजपुरुषों को स्वयंवर में सम्मिलित होने का आमंत्रण भेज दिया है, कई राजकुलों से स्वीकृति भी आ चुकी है। क्या आप और राजकुमारी ये बात नहीं जानती? क्षमा करें महाराज, मुझे अभी अभी इस बात का पता चला है। मैं स्वयं आपसे मिलने आ रही थी कि आप राजकुमारी नीलिमा को इस स्वयंवर से ही अपना वर चुनना होगा। वो हमारी राज प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। कहाँ है राजकुमारी नीलिमा? कपिल ऋषि के आश्रम में। क्या आपकी आज्ञा लेकर वहां गई हैं? नहीं महाराज। ये अनुचित प्रार्थना हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं राजकुमारी? हमारे आश्रम में आने से पूर्व आपको इस विषय में कई बार सोचना चाहिए था। ये प्रस्ताव रखकर आपने हमारे ऋषि धर्म को ठेस पहुंचाई है, हमारी भक्ति को ठुकराया है आपने। क्षमा करें ऋषिवर, ये आप नहीं, आपका मिथ्या अभिमान बोल रहा है। इस आरोप का कारण? कारण तो आप जानते ही हैं ऋषिवर, वैदिक काल से लेकर आज तक अनेक ऋषियों ने साधारण और राजकुल की नारियों के साथ विवाह करके क्या गृहस्थ धर्म का पालन नहीं किया? ऋषि श्रेष्ठ महाराज जनक, महर्षि विश्वामित्र, आदर्श समस्त सप्तऋषियों ने भी
जनता के सामने मर्यादा पूर्वक गृहस्थ जीवन का पालन किया और महान संतानों को जन्म दिया है। देवी, जिस बीते हुए इतिहास का आप उल्लेख कर रही हैं, वो सत्य है, परंतु ये कोई आवश्यक तो नहीं कि जो कार्य उन महान ऋषियों ने किया है वही कार्य मैं भी करूं। मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मेरे प्रस्ताव को ठुकरा कर छोटे सांप ने मुझे पहुंचाई है, उसका तो अनुमान भी आप नहीं लगा सकते। आपके कारण मेरा प्रेम से भरा हृदय, मेरी भावना वेदना की ज्वाला में भस्म होती जा रही है। स्वयं को संभालो देवी। यही कामना लेकर तो मैं आपके पास आई थी कि आप मुझे और मेरे भविष्य को संभाल लेंगे, मेरी प्रेम भरी विनती को स्वीकार करेंगे, मेरे जीवन को आधार देंगे, परंतु आपने कठोरता से मेरी विनती को क्षमा करें। देवी, मैं आपके प्रस्ताव और आपकी भावना को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं अपने ऋषि धर्म और अपने संकल्प के कारण विवश हूं। मेरी विवशता को समझते हुए आप अपने राजमहल वापस लौट जाएं। मैंने नहीं सोचा था संसार की सुख शांति का संकल्प करने के लिए जिस व्यक्ति ने ऋषि धर्म अपनाया वो व्यक्ति इतना कठोर और निर्मोही हो सकता है। नारायण नारायण। ये तो किसी श्रेष्ठ कुल की सुंदर राजकुमारी दिखाई पड़ती है, परंतु परम गणेश भक्त ऋषि कपिल के आश्रम में एक राजकुमारी का भला क्या काम। नारायण नारायण। श्री गणेश ने धर्म संकट का जो संकेत दिया था कहीं उसका प्रारंभ तो नहीं हो गया। ओम गणेशाय नमः। नारायण नारायण। देवऋषि नारद, आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ने अनायास ही आकर मेरे आश्रम को पावन कर दिया है। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आप जैसे महापुरुष के और भगवान नारायण के अवतार के दर्शन मैं इस जन्म में कर पाऊंगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कठोर तपस्या के बाद जिस सौभाग्य को प्राप्त नहीं कर पाते वो आपने मुझे अपनी इच्छा के अनुसार प्रदान किया है। धन्य हुआ मैं और धन्य हुआ मेरा यह आश्रम। नारायण नारायण। ऋषिवर, मैं भी आपके समान श्री गणेश भक्त हूँ, परंतु गौरी पुत्र श्री गणेश ने जब मुझे इस बात का संकेत दिया कि आप किसी धर्म संकट में घिरने वाले हैं तो मैं आपको सावधान करने से स्वयं को रोक न सका। आपने मंगल मूर्ति श्री गणेश के साक्षात दर्शन किए हैं देवऋषि, धन्य हैं आप। मैं तो उनके दर्शन पाने के आपकी भक्ति में अमोघ शक्ति है ऋषिवर। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि विघ्नहर्ता श्री गणेश आपको दर्शन अवश्य देंगे। आपने जिस धर्म संकट की चर्चा की है देवऋषि वो मुझ पर आ पड़ा है। पता नहीं ये संकट मुझे किस परिणाम तक पहुंचाएगा। नारायण नारायण। ऋषिवर, मैं आपसे धर्म संकट के विषय में कुछ भी नहीं पूछूंगा, केवल इतना कहूंगा कि आप श्री गणेश पर विश्वास रखें, उनकी कृपा पर श्रद्धा रखें, यह धर्म संकट आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। देव ऋषि, मुझे अपने से अधिक चिंता महाराज जयसेन की है। आपकी भक्ति के कारण ही महाराज जयसेन इस धर्म संकट का सामना करने में सक्षम होंगे, आपका कल्याण हो। ओम गणेशाय नमः। नारायण नारायण। नहीं महारानी, नहीं, हम राजकुमारी के इस अनुचित प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। हमने राजकुमारी को यह संदेश भेज दिया है कि वे कपिल ऋषि से विवाह की बात करके उन्हें धर्म संकट में न डाले। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कपिल ऋषि इस प्रस्ताव को किसी मूल्य पर स्वीकार नहीं करेंगे। परंतु महाराज। नहीं महारानी,
किसी किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं है। कपिल ऋषि के जीवन का एकमात्र उद्देश्य है श्री गणेश की भक्ति और जन कल्याण। राजकुमारी की इस धृष्टता के लिए हम ऋषिवर से क्षमा याचना करने जाएंगे। आपका ये निर्णय उचित है महाराज। बच्चों की भूल का सुधार बड़ों को ही करना होता है, पर ऋषि आश्रम जाने से पहले एक बार हम नीलिमा से मिल लें। हाँ महारानी, हम राजकुमारी से ये अवश्य पूछेंगे कि उन्होंने कपिल ऋषि के साथ कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं किया। क्षमा करें देवी, मैं आपके प्रस्ताव और भावना का आदर नहीं कर सकता। अपने ऋषि धर्म और संकल्प के कारण मैं विवश हूँ। मेरी विवशता को समझते हुए आप आदर पूर्वक राजमहल लौट जाएं। मैंने सोचा नहीं था संसार के सुख शांति का संकल्प करने के लिए ऋषि धर्म स्वीकार करने वाला व्यक्ति इतना कठोर और निर्मोही हो सकता है। प्रणाम ऋषिवर। पुत्री नीलिमा, कपिल ऋषि ने मेरा घोर अपमान किया पिताश्री। उन्होंने न केवल मेरी भावनाओं को आघात पहुंचाया है, अभी तो आपकी राज प्रतिष्ठा को भी आघात पहुंचाया है। नीलिमा, तुम्हें अपने पिताश्री से आज्ञा लिए बिना ऋषि आश्रम जाने की क्या आवश्यकता थी? मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती माताश्री। पुत्री, तुम अपनी भावनाओं में बहकर। भावनाओं में बहकर नहीं माताश्री, भावनाओं में बहकर नहीं। मैंने बहुत सोच विचार कर ऋषिवर के सामने अपना प्रस्ताव रखा था। और ऋषि ने तुम्हारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ये बात हम पहले से जानते थे राजकुमारी, तुमने एक अनुचित। मैंने कोई अनुचित कार्य नहीं किया पिताश्री। इतिहास साक्षी है, अनेकों राजकन्याओं ने ऋषियों से विवाह करके अपना जीवन धन्य किया है। कपिल ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं है राजकुमारी, वे चमत्कारी शक्तियों से संपन्न महान गणेश भक्त है। इस पर भी उन्हें मेरी भावनाओं का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है पिताश्री। या तो आप उन्हें मेरे साथ विवाह करने के लिए विवश कर दीजिए, या फिर उन्हें ऐसा दंड दीजिए कि वे जीवन भर उसे भूल न पाए। तुम मर्यादा की सीमाओं को लांघती जा रही हो राजकुमारी। तुमने अपनी इच्छा से ऋषि के आश्रम जाकर भयानक भूल की है। किसी ऋषि को दंडित करने का विचार करना भी भयानक पाप है। पिताश्री, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है राजकुमारी। तुम्हारी भूल का प्रायश्चित यही है कि तुम कपिल ऋषि के पास जाकर क्षमा याचना करो और स्वयंवर में अपने वर का चुनाव करो।